फ्रेंड्स, मावी भांजी किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले की रेसिपी। ये छोले की रेसिपी बहुत टेस्टी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं, छोले लिए जो मैंने 500 ग्राम छोले हैं जो हमने 8 घंटे के लिए पानी में डाल के रख दिए थे, तो ये फूल के इतने बड़े हो गए हैं। तो इनको हम अभी बॉयल करने के लिए रखेंगे। और हमने जो मसाले लिए हैं इसमें, ये 4 प्याज लिया, इनको ग्राइंड करके रख लिया है। ये टमाटर भी 4 हैं, इनको भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। वो कुछ ऐसे मसाले हैं, सूखे मसाले हैं, 2 हरी इलायची है और 2 हमारी काली वाली इलायची है, बड़ी इलायची, और ये है हमारी लकड़ी, और ये है लौंग 4। तो ये हमारे सूखे मसाले हैं। और हमने 1 चम्मच जो लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने लिया काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है अजवाइन, और ये मैंने हरी मिर्च ली है 3 कटी हुई, ये मैंने लिया है आंवला सूखा हुआ। ये आंवला कहाँ यूज होगा मैं अभी बताती हूँ। अब मैं लूँगी प्रेशर कुकर, मैंने प्रेशर कुकर लिया है, तो उसमें हम ये छोले ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रेंड्स। पानी में यही डालूँगी क्योंकि ये पानी बहुत ही अच्छा होता है, ताकतवर होता है, पानी को हम अवॉइड नहीं करेंगे, इसी में हम इनको बॉयल करेंगे। अभी हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। और ये जो मैंने आंवला लिया है ना, सूखा हुआ आंवला है, इसको मैं इसमें डालूँगी, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। वो इसलिए डाल रही हूँ कि खटाई से हमारे छोले देर में पकेंगे। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच नमक। और अभी मैं इसको प्रेशर कुकर को ऊपर गैस पे चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है, पानी हमारा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, छोले जलने का डर रहेगा। तो अभी हम इसकी लगा देंगे सीटी, 4 या 5 सीटी तक हम इसको बॉयल करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे ना ये छोले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और ये कलर भी बहुत ही अच्छा निकला हुआ है इसका। अब हम चलेंगे छोले बनाने के लिए। तो हम एक लेंगे कढ़ाई, इनको अभी ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, 2 चम्मच तेल डाला है मैंने इसमें, क्योंकि मसाला भुनेगा तो इसमें तेल लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसके बाद हम मसाला ऐड करते हैं इसमें। हमारा तेल गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहे हैं। हम इसमें ये सूखे मसाले जो लिए थे, खड़े मसाले गर्म के, जो हम उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैं जीरा ऐड कर दूंगी, और अब मैं डालूंगी प्याज जो मैंने पीस कर रखा था, पूरा ऐड कर दूंगी इसमें। इसको थोड़ा भूनूंगी, इसको थोड़ा थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम आगे मसाले मिलाएंगे इसमें। चला लिया है इसको, अब हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने पीस कर रख लिया था। अभी हम इसको 1 मिनट और चलाएंगे तो हमारा ये भून जाए अच्छे से। हमने इसको 2-3 मिनट चला लिया है, हमारा ये हल्का हल्का भुन चुका है। अब मिलाएंगे इसमें कुछ मसाले। ये मैंने जीरा भुंजा हुआ है, वो मैंने पीस कर डाला है, ये काली मिर्च है, और हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च, और 3 चम्मच डालेंगे छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और अभी हम इसको थोड़ा भूजेंगे, और अभी हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, क्योंकि मैं कुछ खड़े मसाले डाल चुकी हूँ। इसको अभी हम पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही भूंजेंगे,
और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी और अभी हमें इसको अच्छे से भूनना है। जब तक हमारे मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी बिल्कुल भी फ्रेंड्स। मसाला भुनने से ही सब्जियों में निखार आता है और टेस्ट बढ़ता है। हम मीडियम गैस करेंगे और फिर इसको हम अभी भूनते रहेंगे जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लगता है मसाला हमारा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है इस तरह से। और अभी हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। मसाले का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि हम कोई पिसे हुए मसाले मिलाएं। अभी हम इसमें डालेंगे जिन मिर्च मैंने जो काट के रखी थी और थोड़ा सा हम ये अदरक डाल दिया है और ये मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा इस तरह से मल के इसमें ऐड करेंगे क्योंकि जो हम हैवी सब्जी बनाते हैं ना तो पचने के लिए हम ये मसाला ज़रूर डालते हैं, इसलिए हमने ये डाला है। और फ्रेंड्स, ये हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी हम इसको थोड़ा और चलाएंगे एक मिनट, इसके बाद हम अपने छोले देख लेंगे कैसे हुए। हमारे ये छोले पहले से थोड़ा ठंडे हो गए हैं। अब हम अपने मसाला भी हमारा पूरा हो चुका है फ्रेंड, हम उसमें इनको ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे मसाले का कलर देखिए, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी बने हुए हैं। अब हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। ये पानी हमने हटाया नहीं है, ये पानी तो डालना ही है इसमें। और हमारे बहुत ही अच्छे चटपटे खट्टे अच्छे से हमारे छोले बनने वाले हैं क्योंकि मैंने इसमें जो आंवला डाला था ना, अगर आपके पास आंवला ना हो तो आप इसमें चाय की पत्ती भी बांध कर डाल सकते हैं जिससे कि इसमें कलर आएगा। हमारे पास आंवला था, आंवले से टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसलिए अब हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप कम ही डालना क्योंकि मैं छोले में भी डाल चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें छोटी चम्मच नमक एक डाला है बस। और फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस हम इनको थोड़ा खदकने देंगे, इसके बाद हमारे ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गैस कर देते हैं बंद और इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना और पूड़ी, पराठे और भटूरे के साथ आराम से इंजॉय कीजिए। थैंक यू।